बात ये कि ये वीआईपी दर्शन होते ही क्यों है? हर जगह तो वीआईपी वीआईपी झेल ही रहे थे हम, ये वीआईपी कल्चर मंदिरों में कैसे घुस गया? भगवान के सामने भी वीआईपी, अगर भगवान भी इन लोगों को वीआईपी मानते हैं तो इनके घर जाकर दर्शन दे दे, मंदिर में आते क्यों है? लाइन में लगने को अपने स्टेटस पर आघात मानते हैं ये वीआईपी, तो उस भगवान के पास जाते ही क्यों है जिसके दर्शन के लिए आम लोग लाइन लगाए इंतजार करते हैं? इनके भगवान ही अलग कर दो, इनके मंदिर ही अलग बनवा दो, 5 स्टार, मजाक बना रखा है, लाइन में नहीं लगेंगे। लाइन तोड़ना दुनिया भर में हिकारत की नजर से देखा जाता है, और यहां भगवान के घर में ऑफिशियली लाइन तोड़ने का जुगाड़ बना रखा है लोगों ने। और ये भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो बाकायदा वीआईपी दर्शन के पैसे देकर वीआईपी दर्शन करते हैं बिना लाइन में लगे, मतलब जो मंदिर प्रशासन को आधिकारिक रूप से नगदी के दर्शन करवाते हैं तो मंदिर प्रशासन उनको भगवान के दर्शन करवाता है। दूसरे वो जो अपने पद या रसूख के दम पर लाइन में नहीं लगते, उनके लिए लाइन से अलग दर्शन करवाने के इंतजाम करवाए जाते हैं। किस बात की बराबरी है हमारे देश में जब भगवान के घर पर ही बराबरी नहीं? आप बुजुर्ग हो या दिव्यांग हो या कोई और दिक्कत हो तो कोई सुविधा नहीं है, लेकिन अगर आप वीआईपी हो तो भगवान के दर्शन भी आपको अलग से करवा दिए जाएंगे। घंटों घंटों लोग लाइन में खड़े रहते हैं दर्शन करने के लिए, और क्या देखते हैं कि एक वीआईपी आया, आराम से दर्शन करके निकल गया और बोलते हुए गया कि बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। और आपकी घंटों के बाद बारी आएगी तो आपको पुजारी ऐसे आगे बढ़ाएंगे जैसे आपके आराम से दर्शन कर लेने में भगवान ही थक रहे हो कि चलो भाई आगे बढ़ो। वीआईपी दर्शन करने वालों को आराम से टीका लगाएंगे, प्रसाद देंगे, आरती करवाएंगे, और आम लोगों को हांकना शुरू कर देंगे जैसे बकरियां घुसाई हैं उनके आंगन में। लाइन में खड़े भक्त को लगता है कि बाकी सब छोड़ो, इस बार तो भगवान से यही मांग लो कि अगले जन्म मोहे वीआईपी ही कीजो। क्या नॉनसेंस है, पैसे दिखा दो भगवान देखे, पद पर पहुंच जाओ भगवान के दर्शन करो। भगवान तो ऐसा नहीं हो सकता कि इनकी ही सुनता हो, लाइन तोड़कर आए भक्त की भगवान सुन लेगा, दूसरों को तकलीफ में डालने वाले की भगवान सुन लेगा। इनकी दुआओं का तो पता नहीं, लाइन में लगे लोगों की बद्दुआएं अलग से मिल जाती है। भगवान ने थोड़ी सिस्टम बना रखा है, ये तो इन मंदिरों का प्रशासन चलाने वाले लोगों ने बना रखा है। भगवान के भक्त से बड़े भक्त तो ये वीआईपीओ के हो जाते हैं, और वीआईपी लोगों ने इसको स्टेटस सिंबल बना लिया कि अब हम वीआईपी हो गए हैं तो ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, भगवान के दर्शन भी अलग से करवा देंगे। इनको लगता है यही तो इनकी कमाई है जीवन की कि अब ये लाइन में नहीं लगते, लाइन में लग जाएंगे तो किस बात की वीआईपी? बल्कि अगर इनको आम लोगों की लाइन में लगा दिया जाए तो सारी व्यवस्था ही ठीक हो जाए। वीआईपी लोगों को भी आम जनता वाली लाइन में लगा दीजिए, फिर देखिए क्या बढ़िया चलता है सिस्टम। ये लोग लाइन में नहीं लगते तभी तो उनको पता नहीं चलता कि आम जनता क्या झेल रही है। सोचिए अगर बड़े साहब लाइन में लगे होंगे तो मंदिर का प्रशासन, पुजारी वगैरह कितना ध्यान देंगे लाइन सही तरीके से आगे बढ़े, अनुशासन भी रहेगा और व्यवस्था भी अपने आप सुचारू तरीके से काम करेगी। और लाइन में खड़े बाकी लोग दुआएं देंगे कि सब कुछ बढ़िया हो गया क्योंकि एक वीआईपी लाइन में लगा हुआ था साथ में, शायद भगवान भी उनसे खुश होकर उन्हीं को और तरक्की दे दे। नियम ही यह बना देना चाहिए कि भगवान के सामने कोई वीआईपी नहीं होगा, जैसे दशकों पहले आंदोलन चले थे ना कि हर जाति के लोगों को मंदिरों में जाने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि भगवान के लिए सब बराबर है, वैसे ही आंदोलन चाहिए कि इस वीआईपी जाति के लोग मंदिर में नहीं आ सकते, आएंगे तो बाकी लोगों के साथ आएंगे। मंदिर में सबसे बड़े वीआईपी भगवान होते हैं और कोई नहीं।